ਆਪਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਲੋਅਰ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋ ਭਈਆ? ਯੂਪੀ ਸੇ ਆਏ। ਯੂਪੀ ਸੇ? ਲਖਨਊ ਸੇ। ਲਖਨਊ ਸੇ ਆਪ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮਾਰਾ? ਹਾਂ, ਆਪਕਾ ਡੇਲੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। यहाँ पे आप घोड़ी लेने आए हो या बेचने के लिए? नहीं, घोड़ी लेने के लिए। लेने पहले रखते हो आप? हाँ, रखते हैं अपने फार्म पे। ठीक है, तो आपका नाम और आपका फार्म का नाम बता दो। मोहम्मद इश्तियाक। ठीक, इश्तियाक डेयरी फार्म है हमारा। ठीक है, और यहाँ से मुक्तसर से भैंस भी ले आते हैं। ठीक है, भैंस वगैरह? अभी हमने 18 भैंस लिया है मुक्तसर में। अच्छा अच्छा, और दो घोड़ी के बच्चे लेने हैं हमें, तो इसलिए मेले में आए हैं लेने के लिए। ठीक है, नुकरे बच्चे लेने हैं या? नुकरे बच्चे लेने हैं। बच्चे? हाँ, एक बच्ची के 2 लाख रुपए लगाए, 3.5 लाख मांग रहा है। अच्छा, 6.5 महीने की। ठीक है, बहुत पसंद आई वो। ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है हमारा जो हम मेहनत करते हैं? अच्छा बहुत, लगता बहुत है। बहुत अच्छा है। ठीक है, जायज दाम बताएं। व्यापारी लोग बहुत चढ़ा के बता देते हैं, उससे लोग आने में डरते हैं यूपी वाले। हाँ, थोड़ा रेट बहुत ज्यादा बोल देते हैं। और इस पे थोड़ा सा यही है कि हम पंजाब जैसे आए हैं। ठीक है, हमने 58,000 की भी भैंस खरीदी और 1.5 लाख की भी भैंस खरीदी। लोग कहते हैं कि भैंस नहीं मिलती है 58-60। हाँ, 58,000 की भी भैंस खरीदी। तो ऐसे होता है कि जब चैनल पे हम इंटरव्यू लेते हैं सेल के लिए, तो रेट ज़्यादा होने के कारण आपको ऐसे लगता है? यूपी वाले समझते हैं कि बहुत रेट ज़्यादा, इसलिए नहीं आते। ठीक है, इनको जायज रेट बोलना चाहिए। 10-5 हज़ार का वो करके बस बताना चाहिए। ठीक है, और 1 लाख रुपए का करके फिर आदमी डर जाए। ठीक है, थोड़ा ऐसे चल रहा है कि अभी हम मंडियों पर जाते हैं कि यूपी से थोड़े कम आने लगे हैं, इसीलिए रेट। हाँ, इसीलिए कम आने लगे हैं। पहले उनका जब यहाँ पे भी हमने अभी तक कोई देखा नहीं यूपी का, जो यूपी कोई व्यापारी आया हो घोड़ियाँ लेके, तो ऐसे होता कि चलो अब मंडी में, धनौला मंडी में थे, भैंस ले रहे थे, 4 लाख रुपए मोल कर रहे थे वो। हाँ, बाद में उन्होंने 1.80 की बेची, अब बताइए। हाँ, 20,000 का फर्क। ठीक है, वो जो 1.5 लाख हम भी उसके दे रहे थे। हाँ, शाम को उन्होंने 1.80 की बेची। ठीक है, तो कैसे आएंगे लोग 2-2 लाख 20 हज़ार रुपए डिफरेंस करके, कैसे सौदा हो पाएगा? ठीक है भाई जी, उदा कहना भी जे आप जेड़ा रेट दस रहे हैं वो रेट का थोड़ा बहुत दसना चाहिए कि भाई जी हूँ कहते भी उतों आके सू इदा लगता है भी रेट ज़्यादा ने, उस करके लैन नहीं पाते, ज असली बायर नहीं मिलता है ना। हाँ, जो असली बायर होता है, जो लेना चाहता है, वो रेट सुन के चला जाता है। चला जाता है, बाद में वैसे पता लगता है कि वो तो इतने की बिक गई, तो कम ही बिकती है थोड़ा, है ना। तो फिर लगता और है कि हम मुक्तसर आते हैं, नन्ना मिल्टा के पास आते हैं, वो हमको भैंस दिलाते हैं, तो उन्होंने हमें 58,000 की भैंस दिलाई, वो भी 10 लीटर दूध देगी। हाँ, और हमको 1.5 लाख की भी दिलाई, वो देगी 15-16 लीटर दूध। जैसे पैसे लगाओगे वैसा माल मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। जब बंदे ठीक ठाक मिलेंगे। हाँ, तो माल मिलेगा। तो भाई जी हुणी मैचां ते घोड़ियां भी खरीदने, जे किसी ने इन्हां नाल भाई जी हुणां नूं बेचना जां चाहुंदे हो तां इन्हां नाल संपर्क कर सकदा भाई जी। आपका नाम बताओ। नाम मोहम्मद इश्तियाक। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। 9616165728। ठीक है, दोबारा बता देना हार नंबर। 9616165728। नंबर हमारा भी। हाँ जी, हाँ जी, 9417966316। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मिंटा जी। ठीक है, आप भी हाँ जी, घोड़ियाँ वगैरह? नहीं नहीं, घोड़ियाँ नहीं, मज्जा नहीं काम, मज्जा नहीं काम कर रहे हैं। इनके ही पास हम लोग आते हैं भैंस लेने। ठीक है, तुम अच्छा थोड़े को थे? हाँ जी। थोड़ा एरिया कहड़ा सर? मुक्तसर जी, खास मुक्तसर खास। 20 साल से इन्हीं के पास आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पक्के गाहक तो जिवें कह रहे हैं ना। हाँ जी, तुम इतों लैके देख के रखते हो? खाना प्रबंध सब बहुत अच्छा है। ठीक है, और ठीक भाई जी, आप तुम घोड़ियाँ रखते हो या मज्जा ही? नहीं, मज्जा ही, मज्जा ही रखते हो जी। ठीक, कल्ला मज्जा देंगे। ठीक है, ठीक है भरावा। तो भाई जी हुण नाल तुसीं संपर्क कर सकते हो, ये भाई जी मज्जा वगैरह सेल ते परचेज का काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुम सानू इत्थे मिले, इन्ना फीडबैक दिता। ठीक है, फिर ठीक है।